आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनकपुर ब्लॉक 2। श्री राम जानकी विवाह मंडप का रास्ता जनक भवन के बहुत ही निकट है, तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा श्री राम जानकी विवाह मंडप। इस जगह पे बहुत सुंदर बगिया है, इसके दर्शन भी आप करेंगे और अभी हम चलने वाले हैं और भगवान का जो मंडप था इसके भी दर्शन हम सभी एक साथ करेंगे। पापा फर्स्ट टाइम जनकपुर धाम गए हैं, तो हम लोगों ने पूरी चीज़ वीडियो शूट में रिकॉर्ड किया है और उस सभी को हम सभी की यादगार के लिए संजो कर हमारे यूट्यूब पर डाला है। चारों भाई चारों बहन का जो शादी हुआ था वही दृश्य, इधर से राम जी का परिवार, इधर से सीता माता का परिवार और ये सभी खम्भा में तीनों लोग के देवता जो बारात में बराती के रूप में आए। नीचे चारों कोना में चारों भाई का कोवर घर है, राम सीता भरत मांडवी लक्ष्मण रामलीला शत्रुघ्न सुखी के। एक बार ऊपर से परिक्रमा कर लीजिए, एक बार नीचे से परिक्रमा कर लीजिए। ऐसी अद्भुत धरा पे आने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो एक बार इस सुंदर सी जगह की परिक्रमा लगाते हैं। ऐसी ही अद्भुत धरा के दर्शन हम सभी आप लोगों को कराते रहते हैं और ये चैनल आप लोगों को कराता रहता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करिए, जिससे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को पहुंचाइए, दूसरों को अच्छा लगता है तो वो तीसरे को पहुंचाए, ऐसा करते करते पूरे देश तक ये सुंदर सुंदर दर्शन पहुँच पाएंगे। ओम सायरा। आप लोगों को कुछ देर पहले ही जनक भवन दिखाई दिया होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जनक भवन के बहुत ही निकट में है, बहुत ही पास में है। जनक भवन से निकलते हैं और उसके बाद ही यहाँ का आने के लिए एक गेट है, तो आप लोग यहाँ के ज़रूर दर्शन करिएगा जब भी आप लोगों को जनकपुर धाम जाने का मौका मिले। ये जगह बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर जो फीलिंग हो रही है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। पंडित जी का बहुत बहुत आभार कि वो अंदर से हम सभी को वीडियो शूट बनाकर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अंदर से वो जो मंडप है वो किस तरह का है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये पंडित जी के हाथों में मोबाइल दिया है पापा ने और ये पूरा वीडियो शूट पंडित जी ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं राम और जानकी, बड़ी ही सुंदर सी जोड़ी है प्रभु की, जहाँ पर यहाँ इनका विवाह हुआ और इस जगह पे एक अलग सा वाइब्रेशन, एक अलग सी एनर्जी है जिसे आप लोगों को जनकपुर धाम जाकर स्वयं अनुभव करना चाहिए। ये बहुत सुंदर सी जगह है। अब देख सकते हैं विश्वामित्र जी, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और यहाँ पर जिस तरह से वो हमें दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार से सभी लोग विराजमान हुए थे, राम जी सीता जी जनक जी सब इस तरह से बैठे थे और उसके बाद ये पूरी जगह इस तरह से दिखाई दे रही थी, हम सभी उस समय का अनुभव कर सके, इसलिए इस मंदिर ने बहुत सुंदर से सब कुछ रचा है। और यहाँ पे देख सकते हैं भक्त जन और पापा दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। आप सभी के मन में जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप लोग भगवान श्री राम जी और जानकी माता से कह दीजिए, भगवान जी बहुत ही जल्द आपकी सुनेंगे। और ये जगह के दर्शन हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल थे, पापा फर्स्ट टाइम जनकपुर धाम गए थे। आपको और आइए शिरडी, जब भी आइए हमको सेवा का मौका दीजिए। तो ये देखा आपने सीता विवाह मंडप, भगवान का जहाँ विवाह हुआ ये था, ये है जानकी, इतना आनंद है, क्या प्रेम है, आ इसकी छटा ही नहीं आती, इसका प्रेम ही निकल रहा है। और ये सब जगह देख कर आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की कृपा पर हमें सब मिले। ओम साई राम, जय साई राम, बोलो सीता मैया की जय।